एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन होम स्टाइल में आपका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। सो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हेयर एक्सेसरीज हॉल, बिकॉज फेस्टिवल्स टाइम में लाइक हम अच्छे से ड्रेसअप हो लेते हैं, मेकअप अच्छे से कर लेते हैं। जब हेयर स्टाइलिंग की बात आती है हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा इरीटेट भी हो जाते हैं। सो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हेयर एक्सेसरीज हॉल का। एंड मैंने बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज लाइक परचेज करी है एंड उसको कैसे स्टाइल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो जो मैंने फर्स्ट आइटम परचेज करी है वो है ये, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गजरा। ये आपको सेट ऑफ टू में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, सब बिल्कुल नहीं लगता लाइक फेक गजरा है। एंड जो रियल गजरा होती है, खैर उनकी बात ही अलग होती है, लेकिन आप उसको मतलब पे करते हैं और वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस गजरा को काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल गजरा है। ये आपको सेट ऑफ टू में मिल जाते हैं एंड लाइक आपका कभी मन करता है ओपन हेयर नहीं रखने का तो उस टाइम पे आप बर्न वगैरह बनाइए एंड ये गजरा लगाइए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, प्राइस मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, सिंपल सा बर्न बनाना है, उसके ऊपर ये गजरा लगाइए एंड आप सिंगल गजरा भी लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन आप इसको सेट ऑफ टू मतलब ऐसे अगर आप दो में लगाएंगे तो पूरा भरा भरा वाला लुक आएगा एंड आपका बर्न काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसमें जो फ्रेग्रेंस आती है ना वो लिटरली इतनी ज़्यादा सूदिंग फ्रेग्रेंस है, मतलब मुझे तो पर्सनली इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आप इसको ट्राई कर सकते हैं करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए एंड किसी भी फेस्टिवल्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मूविंग ऑन टू अनदर वन, जो मैंने नेक्स्ट एक्सेसरीज परचेज करी है वो है ये ब्यूटीफुल सा एक्सेसरीज। ये आपको लाइक क्लिप स्टाइल में मिल जाएगा, आपको फ्रंट में ये फ्लावर वाली डिटेलिंग मिल जाएगी, वाइट एंड येलो कलर के ये बीट्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। एंड साथ में आपको ये बीट्स मिल जाएंगे लाइक ये पर्ल्स मिल जाएंगे, आप इस ये रोटेट भी हो जाता है, आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं एंड आप इस क्लिप को काफ़ी वे में स्टाइल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने जूड़ा वगैरह बनाया हुआ है तो उसमें भी आप ऐसे करके अटैच कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड अगर आपने हाफ पोनी टेल वगैरह बनाई हुई है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये पासा जो होता है ना उस टाइप में आप ऐसे करके स्टाइल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो आप इसे डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मुझे ये प्रोडक्ट लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज करा है वो थोड़ा सा कॉस्टली है पर बहुत ज़्यादा एलिगेंट पीस है, आपको कुछ इस टाइप के बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये जब रिसीव हुआ ना लिटरली इतना ज़्यादा एलिगेंट लगा, मुझे कुछ इस टाइप में आपको मिल जाएगा। इस पर आपको लाइक गोल्डन एंड पर्ल्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे एंड पिंक कलर के ब्यूटीफुल से फ्लावर मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट पीस है। एंड ना ये आपको कुछ ऐसा कर्व काइंड में मिल जाएगा ना तो आपको हेयर में स्टाइलिंग करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड इसको भी आप काफ़ी सारे डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं, लाइक अगर आप इसको लाइक टियारा काइंड टियारा की तरह स्टाइल कर सकते हैं एंड मतलब पासा की तरह आप इसको स्टाइल कर सकते हैं एंड अपने जूड़ा वगैरह में भी लगा सकते हैं। पीछे हाफ आपने हाफ ओपन रखे हुए हेयर तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, आपको कोई भी पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ईजी तरीके से अपने अच्छे से हेयर को स्टाइल कर सकते हैं एंड
काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट पीस है। इसमें जो डिटेलिंग दे रखी है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लाइक एक एक काम इन्होंने दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लाइक ये फ्लावर्स, पर्ल्स एंड ये जो बीट्स दे रखे हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड आप इसे काफ़ी सारे डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। एंड स्टाइलिंग की वीडियो मैं अभी डाल दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसका प्राइस भी मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है ये कुछ ब्यूटीफुल से फ्लावर्स मिल जाते हैं। लाइक ऐसे करके आप इसको भी काफ़ी डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। ये आई थिंक सेट ऑफ 12 है या 10 है, मैंने काउंट नहीं करा, लेकिन वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इतने ब्यूटीफुल से लाइक आप इसको भी काफ़ी डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है लाइक फ्लावर्स की, एंड ये गोल्डन पर्ल्स लगा रखे हैं। एंड ना सबसे बड़ी बात ये ना थोड़ा सा मूव भी हो जाते हैं, आप किसी वे में इसको मतलब स्टाइल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ लगाना चाहे तो वहाँ पे भी ब्यूटीफुल लगता है। पीछे ओपन हेयर रखे हुए हैं, उसमें भी आप ऐसे लाइक जूड़ा पिन से अटैच कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, ऐसा भी नहीं है लाइक उन्होंने 3 or 4 दे दी हो। आई थिंक ये सेट ऑफ 12 में मिल जाएंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसके साथ आपको जूड़ा पिन भी मिल जाएगा स्टाइलिंग करने के लिए। मूविंग ऑन टू अनदर वन, जो मैंने नेक्स्ट परचेज हेयर एक्सेसरीज परचेज करी है वो है ये मैसी सा जूड़ा। काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है ना लाइक वो मैसी जूड़ा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड इसमें भी ना आपको काफ़ी सारे लाइक कलर्स मिल जाएंगे, लाइक किसी का कलर ब्लैक होता है, सम ब्राउन होता है। एंड मैंने इसको कुछ लाइट ब्राउन से कलर में लाइक ब्लैक और ब्राउन का जो टोन आता है ना उसमें ख़रीदा है, बिकॉज मेरे हेयर का कलर कुछ ऐसे ही है। एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाइक फेक हेयर्स हैं, ऐसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। एंड इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, आई थिंक ये मुझे 150 रुपीज़ में मिल गया था, वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एलिगेंट लगता है। इसमें तो आपको कुछ मतलब तामझाम भी नहीं है हेयर मतलब स्टाइलिंग करने के लिए, बस आप एक अपना छोटा सा जूड़ा बनाइए एंड उसमें अटैच कर लिए। काफ़ी ज़्यादा हैवी जूड़ा लगता है, एंड वो मैसी वाले जूड़ा ना काफ़ी ज़्यादा लाइक ट्रेंड में है, तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। एंड काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट हेयर एक्सेसरीज परचेज करी है वो है ये ब्यूटीफुल सा बो। ये आपको ये मैंने ग्रीन कलर में परचेज करा है। इसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, लाइक आपको इसमें येलो, ग्रीन, रेड है, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा आपको साटिन फैब्रिक में मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये आपको लाइक इंडो वेस्टर्न पहना हुआ है, वेस्टर्न्स पहने हुए हैं, सूट्स पहने हुए हैं, उसके साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड आप इसको लाइक हाफ पोनीटेल में ट्राई कर सकते हैं, आपने पूरा लाइक फुल पोनीटेल बनाया हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट आप इसको कह सकते हैं हेयर एक्सेसरीज, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड इसमें लाइक आपको ये रबर अटैच मिल जाती है। एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। Thank you.
सो मूविंग ऑन टू अनदर वन, जो मैंने नेक्स्ट हेयर एक्सेसरीज परचेज करा है वो है ये ब्यूटीफुल से रोजेस, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, लाइक रेड है, पीच कलर है, पिंक है, ऑरेंज है, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स है। एंड पता है इस रोज़ की मुझे क्या खास बात लगी, ये आपको ना टू शेड्स में मिल जाएंगे, लाइक वाइट एंड पिंकिश काइंड ऑफ रोज़ है ना, ये बिल्कुल ही ऐसा दिखाते हैं जैसे बिल्कुल रियल रोज़ हो, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता लाइक फेक हो, वो पूरा डार्क पिंक में या वो पूरा ऐसा कलर के पूरा कलर एक ही कलर का सेम कलर का रोज़ होता ना, वो ऐसा थोड़ा सा लगता है लाइक फेक रोज़ है, लेकिन इसमें आपको टू शेड्स जो दे रखे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक रियलिस्टिक दिखाते हैं पूरे इसको हेयर एक्सेसरीज़ को। एंड पीछे की तरफ आपको ये जूड़ा पिन मिल जाएगा, आप इजीली से अगर आपने लाइक बर्न वगैरह बना रखा है तो आप आसानी से इसको अटैच कर सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये। एंड करवा चौथ वगैरह पे मोस्टली वुमेंस ना लाइक बर्न बनाना ही पसंद करती हैं, तो उस के लिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। पीछे की तरफ आपको ये जूड़ा पिन मिल जाएगा गोल्डन कलर में, एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं, प्राइस स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे परचेज करे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हेयर एक्सेसरीज मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ, एंड मैं शूट कर चुकी थी तो मैंने इसकी स्टाइलिंग वीडियो ही डाल दी है, तो आप इसको बर्न वगैरह में लगाते तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें जो वर्क हो रखा है ना क्रिस्टल और पर्ल्स का, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो रखा, आप इसको लाइक टियारा के तरीके से लगा सकते हैं या साइड में जो पासा होता है ना उस तरीके से लगा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड अगर आपने बैक में कर्ल्स वगैरह करे हुए हैं तो बैक में कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और आपको ऐसी हेयर एक्सेसरीज़ की, ज्वेलरीज़ की और हॉल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।